मुंबई लोकल यात्री कृपया ध्यान दें, 31 मई से 2 जून तक रहेगा 63 घंटे मेगा ब्लॉक। 930 मुंबई लोकल ट्रेनों को किया गया रद्द। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 30 मई मध्य रात्रि यानी 31 मई से लेकर 2 जून तक मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन 63 घंटे के लिए मेगा ब्लॉक पर जा रही है। बता दें, ये 63 घंटे का मेगा ब्लॉक जो है वो ठाणे से शुरुआत होते हुए मुंबई के CST के जो लोकल यात्री है उन पर जो है प्रभावित होने वाला है। बता दें, सबसे पहला जो है 63 घंटे का ये मेगा ब्लॉक, ये इस कारण से किया जा रहा है कि ठाणे में 5वीं-6वीं लाइन को लेकर चौड़ीकरण किया जा रहा है और दुरुस्ती के लिए ये लाइन को बढ़ाने की वजह से जो ठाणे है वो 63 घंटे के लिए 30 मई की रात लगभग 12:30 बजे से लेकर 2 जून दोपहर करीब 2:30 से 3:30 बजे तक ये मेगा ब्लॉक रहेगा। और इसके लिए काफ़ी यात्रियों को अलर्ट किया गया है कि वो अपने रूट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे जाए, लोकल ट्रेन का यूज़ ना करें, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात कर ली जाए, प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 पर जो ट्रेनें आती थी उनकी फ्रिक्वेंसी की वजह से काफ़ी प्लेटफॉर्म जो है छोटा पड़ जाता था, और इसी प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए ये काम किया जा रहा है जो कि 31 मई रात से शुरुआत होगा और 2 जून 2:30-3 बजे तक ख़त्म होगा। लगभग ये 36 घंटे का ब्लॉक रहेगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। लगभग इसमें मुंबई जो CPRO है उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि 930 जो लोकल ट्रेनें बंद की गई है उनमें से जो ट्रेनें शुक्रवार को बंद की जाएगी वो 131 होगी, फिर शनिवार को बढ़ करके 534 और रविवार को 235, ऐसे 930 ट्रेनों को रद्द किया है। और इसमें बता दें, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से छूटने वाली जो मेल एक्सप्रेस है वो छूटने की बजाय वहाँ से पनवेल से छूटेगी, और जो लोकल ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक जाती है वो भाईखल्ला दादर से जो है छूटेगी। अब इसमें जो यात्री काफ़ी सारे परेशान होंगे, तो उसमें सभी लोगों के लिए मुंबई लोकल ने ये कहा है कि ख़ास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और ऑफिस और दफ्तर के जो लोग हैं उनसे भी अपील किया है कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधाएं ये 3 दिनों के लिए दिया जाए, ताकि ये 3 दिन जो यात्री भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा वो उनके लिए थोड़ा सा जो है राहत हो सके। हम भी आपको अपील करते हैं कि ये 3 दिनों का जो सफ़र होगा 31 मई से 2 जून तक, आप इस दरमियान लोकल ट्रेन का अगर इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो वो ना करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि आप भी इससे प्रभावित ना हो। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।